साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आज हम CUET के बारे में जान रहे हैं कि उर्दू में CUET में क्या क्या आएगा, उर्दू कवायद से क्या आएगा और बुक से क्या आएगा। 12वीं क्लास की जो आपकी बुक है उसी में से ज़्यादा आएगा। तो हम पूरी बुक में जो है एक वन शॉट बना रहा हूँ मैं आपके लिए। इस पूरी वन शॉट के अंदर आप बहुत डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ लेंगे। अगर आपने पूरी वन शॉट देख ली, इसके अंदर ये कवायद की बुक मेरे पास है, इसमें से पढ़ा दूंगा, और ये 12वीं की पूरी गाइड है दोनों किताबों की, खयाबानी उर्दू और गुलिस्तान अदब। ज़्यादातर जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब में सारी बुक्स में कॉमन आएंगी CUET में। तो उर्दू के अंदर क्या क्या आने जा रहा है तो मैं इसको वीडियो को शुरू कर रहा हूँ, और आप इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ध्यान से देखेंगे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से बन रहा है। शुरू कर, तो सबसे पहले जो है मक्तूब निगारी के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई मक्तूब निगारी क्या है ना। तो मक्तूब निगारी ख़त वगैरह को कहते हैं जिसमें हम ख़त वगैरह लिखते हैं खतूत। तो पहले ये एक सिंफ नहीं थी, मतलब जैसे अफसाना है, दास्तान एक सिंफ है, ऐसे नहीं थी, बाद में जाके सिंफ बनी। इसकी जो बुनियाद रखी है वो गालिब को कहा जाता है इसके बारे में, और जो मक्तूब निगारी में गालिब ही सबसे अव्वल है, और शिबली, मेहंदी ये सब भी है लेकिन गालिब सबसे वो, ठीक है। तो गालिब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। देखिए मैं शॉर्ट में पढ़ाऊँगा क्योंकि अब हमारे पास जो है ना इतना वो नहीं कि वक्त के पूरी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ी जाएँ, या उनको बहुत ज़्यादा उससे बहुत ही ज़्यादा पढ़ेंगे तो दसियों घंटों की वीडियो हो जाएगी। तो एक दो घंटे की वीडियो बना के आपके लिए इंशाल्लाह इसमें सारी चीज़ें करें। अब इसमें जो है गालिब ने नसर निगारी का आगाज़ फ़ारसी से किया था, ठीक है। अब इसमें गालिब ने मरासले को मुकालमा बनाया, तो इनकी जो एक बात आ जाती है कि भाई किसने मरासले को मुकालमा बना दिया, ठीक है। गालिब के खतूत में क्या हालात मिलते हैं, सवाल CUET के अंदर आ सकता है या CTET में, तो आप लिख देंगे भाई 1857 के उनके जो खतूत है 1857 की जंग आज़ादी के बारे में बताएँ। गालिब का जो इसलूब है बहुत अच्छा है, उन्होंने जो है खतूत के अंदर आसान जबान का इस्तेमाल किया और बड़े बड़े अलकाब को ख़त्म करा, मेरे भाई मेरी जान इस तरह करके बात करी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, पूछ सकते हैं ना उसके अंदर कि भाई गालिब ने क्या चीज़ को बड़े बड़े अलकाब को ख़त्म करा। अल्फाज मानी तो खैर आएंगे नहीं, अल्फाज मानी का तो कोई काम ही नहीं है। अब इसमें आगे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी एक सवाल है, साहिबान आली शान से क्या मुराद है ना, सवाल है साहिबान आली शान से क्या मुराद है। साहिबान आली शान से मुराद है अंग्रेज़ी हुक्काम, जो अंग्रेज़ हाकिम होते थे उनको बोलते थे। अब इसके बाद है, अब इसके बाद जो है और भी सवाल आते हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं आपको जो है ये चलता हूँ जो इम्पोर्टेंट सवाल है उनकी तरफ। क्योंकि पूरा जो इसमें आएंगे तो MCQ की तरह, लेकिन इस पूरे में से ही तो आएंगे, तो इसके अंदर क्या क्या आएंगे। तनकीद निगारी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। तनकीद निगारी के बारे में, तनकीद निगारी जो होती है, तनकीद का मतलब होता है कि किसी को, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई कहानी लिखी, तो अगर मैं आपकी कहानी में कमियां या खूबियाँ तलाश करना चाहूँ तो तनकीद का मतलब होता है इस अंदाज़ में बयान करूँ कि आपकी खूबियाँ भी जाहिर हों, खूबियों पर और कमियां भी आपको वाज हो जाएँ लेकिन आपको बुरा फील ना हो, ठीक है। तो इसमें जो तनकीद निगारी में है वो एहतिशाम हुसैन बादशाह हैं, इसमें बिल्कुल नंबर वन पर आते हैं। आली शिबली मोहम्मद हुसैन आज़ाद ये भी हैं, लेकिन सबसे ऊपर जो देखा जाता है एहतिशाम हुसैन जो है नंबर वन पर। एहतिशाम हुसैन जो है 1912 में पैदा हुए और 1972 तक जिंदा रहे, 1972 में इनका इंतकाल हुआ, और ये बात इसमें याद रखने की थी। इन्होंने खूजी एक मुताला के नाम से लिखा, इसके आगे है खुर्शीदुल इस्लाम के बारे में आता है। खुर्शीदुल इस्लाम ने मगरबी
उत्तर प्रदेश के उमरा में पैदा हुए और खुर्शीद इस्लाम इनके तनकीदी मजामीन भी शाये हुए। इनके जो है उमराव जान इनके नए जाविये से निगाह डालती है, उनके नसरी स्लोप की एक अच्छी मिसाल है। उमराव जान किसका लिखा हुआ है तो आप लिख देंगे खुर्शीद इस्लाम का, ठीक है। इसमें जो है तवाइफ के बारे में और इन्होंने बताया कि वो अपनी जो है जिस्म को क्यों बेचती हैं मजबूरी, वो पूरा इसके अंदर इन्होंने बताया, ठीक है। बस इतना याद रखना है आपको। इसके बाद जो है एक सवाल जो आता है वहाँ पे, ये उमराव जान अदा किसका नॉवेल है तो आपको याद रखना है खुर्शीद इस्लाम का। और इसके बाद है भाई मुख्तसर अफसाने के बारे में, भाई मुख्तसर अफसाना क्या है। देखिए अफसाने में याद रखिए किसी ज़िंदगी के किसी एक पहलू को बयान किया जाता है। ये पूछा जा सकता है कि भाई अफसाने में ज़िंदगी के कितने पहलू को पूरी ज़िंदगी होती, सिर्फ एक वाक़े को बयान किया जाता है, ठीक है। ये सारी बातें हैं। और 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। सवाल आता है तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ, तो याद रखिएगा तरक्की पसंद तहरीक जो है 1936 में यानी आज़ादी से पहले शुरू हुई थी। क्योंकि तरक्की पसंद तहरीक पहले जो अफसाने लेके जाते थे वो सिर्फ इसीलिए लेके जाते थे कि लोग पढ़ें और खुशी हासिल हो, लेकिन 1936 में अफसाना जो है अदब बराए अदब नहीं रहा, बता अदब बराए ज़िंदगी हो गया और जो है अदब को ज़िंदगी से जोड़ दिया। प्रेमचंद भी इसमें शामिल थे। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ, याद रखिएगा। बलवंत सिंह के बारे में आता है। बलवंत सिंह ने मुख्तसर नावल लिखे, ठीक है। रात, चोर और चांद, ये सब इनके जो है नावल और अफसाने भी लिखे इन्होंने। लम्हे इनका एक जो है मज़मून है, लम्हे, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कुछ सवाल देख लेता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं जो आपके काम आ जाए। कुरतुल ऐन हैदर के बारे में आ सकता है। कुरतुल ऐन हैदर जो है अलीगढ़ में पैदा हुई, ठीक है। कुरतुल ऐन हैदर का अफसाने भी है। कुरतुल ऐन हैदर ने जो ज़्यादातर आवाज़ उठाई वो औरतों की तालीम पे उठाई है, ठीक है। इनके और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में विजिटिंग प्रोफेसर के मनसब पर भी फाइज रही हैं। और इनका जो फोटोग्राफर इनका लिखा हुआ है अफसाना कुरतुल ऐन हैदर का, और इसके अंदर आप लिख सकते हैं, अब है सुरेंद्र प्रकाश का असल नाम जो है। प्रेमचंद का असल नाम भी पूछा जा सकता है कि भाई प्रेमचंद का असल नाम क्या है। धनपत राय, याद रखिएगा। बजूका उसे कहते हैं जो खेतों में बीच में लगा देते हैं लकड़ी का आदमी बना के, ऐसा लगता है परिंदों को जानवरों को कि आदमियों से कपड़े बना देते हैं ना। और क्या आ सकता है भाई, इकबाल मजीद के बारे में आ सकता है जो उत्तर प्रदेश, ये इकबाल नहीं है, इकबाल इनका अफसाना है सुकून की नींद, याद रखिएगा। इसमें सुकून की नींद में दौलतमंद लोगों के बारे में लिखा है कि दौलत की वजह से परेशान रहते हैं, है ना, मालदारों की हालत बताइए। शफी जावेद सूबे बिहार के शहर मुजफ्फरपुर में पैदा हुए, मैं और वो, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्रामर का भी अब देख लेते हैं थोड़ा सा, पहले सारे पूरे कर लेते हैं। ये आ सकता है यादें जो है किसका है, सज्जाद हैदर यलद्रम,
यादें जो है ना, यादें निगारी भी कहलाती है। सज्जाद हैदर यलदरम, सज्जाद ज़हीर के बारे में, सज्जाद ज़हीर ने तरक्की पसंद तहरीक अंगारे लिखे थे इन्होंने, और रोशनाई इनका लिखा हुआ अफसाना है। पहले शायरों को भी जो है जेलों में डाला जाता था। आप बीती जो है खुद नविश्त भी कहते हैं इसे। अब अख्तरुल ईमान बहुत मशहूर है। अख्तरुल ईमान का असल नाम मोहम्मद अख्तरुल ईमान था, बस मोहम्मद लगा देंगे बाकी यही है। इस आबाद खराबे में, यानी दुनिया को कहा है कि इस आबाद कराने में हर आदमी को जाना है। इसके बाद जो है भाई रिपोर्ट ताज के बारे में क्या आ सकता है भाई? रिपोर्ट ताज क्या होता है? रिपोर्ट ताज जो है, रिपोर्ट होती है आंखों देखा हाल होता है। रिपोर्ट ताज के बारे में बता दूं, ये सवाल आएगा रिपोर्ट ताज में आ सकता है कि रिपोर्ट ताज किस चीज़ पे मबनी होता है। तो आप रिपोर्ट ताज में लिख देंगे कि भाई रिपोर्ट ताज जो होता है ना वो हकीकत पे मबनी होता है, और अफसाना जो होता है वो कहानी पे मबनी होता है, यानी झूठ पे। ये एक सवाल कृष्ण चंद ने किया, रिपोर्ट ताज जो है वो पौधे हैं, याद रखिएगा। ये इस तरह के सवाल आएंगे भाई, इनका कौन सा अफसाना है। 12वीं में जो पढ़ा है उसका ज़्यादा है, और क्या आ सकता है? इंशाइये के बारे में आ सकता है, ठीक है, इसके मतलब ऐसे के होते हैं। लेकिन इंशाइया जो है मजबून निगारी से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें जो होते हैं हल्के फुल्के अंदाज में, खुशी खुश वाले अखलाक में, प्यार प्यार में, अच्छी ताकि लोग मज़ा बना रहे। सर सैयद ने कौन सा रिसाला निकाला था? तेजीबुल अखलाक निकाला था, है ना, ये सारी बातें। इसके बाद ख्वाजा हसन निज़ामी ने जो है मच्छर लिखा था इंशाइया, ये है। इसके बाद भाई आगे आ जाते हैं, और तंजो मज़ा। तंजो मज़ा का क्या मतलब होता है? तंजो मज़ा कहते हैं कि जिसमें हम तंजो मज़ा का मतलब होता है कि इस अंदाज में बात को बयान करते हैं कि वो इशारे इशारे में पूरी मतलब बात भी कह जाते हैं, और सामने वाले को पता भी, सामने वाले को एहसास भी आता है, रस्सी रस्सी में बात भी कह जाते हैं। कहते हैं जैसे भाई तुम तो बड़े पढ़े लिखे हो, ये सेंटेंस बोल दिया इसका मतलब है तुम जाहिल हो। कन्हैया लाल कपूर तंजो मज़ा में बहुत मशहूर है। गालिब जदीद शायर एक मजलिस में, गालिब के बारे में इन्होंने देखा है कि गालिब जो एक मजलिस में बैठे हैं तो क्या उनका अंदाज़ है कैसे। इसके बाद है सफ़रनामा। सफ़रनामा हमारे ज़माने के एक मकबूल सिंफ है ना। सफ़रनामा उर्दू का पहला सफ़रनामा कौन सा है? ये सवाल इम्पोर्टेंट है। ये उर्दू का पहला सफ़रनामा यूसुफ का कम्बल पोश का अजायबात फरंग है, याद रखिएगा, ठीक है, जो उन्होंने 30 मार्च 1837 में कलकत्ता से पानी के जहाज़ के ज़रिए इंग्लिस्तान का सफ़र, इंग्लैंड गए थे कलकत्ता से पानी के रास्ते, तो उसके बारे में उन्होंने सफ़र को लिखा है। सर सैयद का जो सफ़रनामा है वह मुसाफिराने लंदन है, को बहुत शोहरत हासिल हुई, लफ्ज़ी ऐसा लाएँ कि एकदम बंदा पढ़ने पर मजबूर है। शिबली नोमानी का जो सफ़रनामा है रोम मिस्र शाम है, इस तरह और भी सफ़रनामे हैं। इसके बाद जो आ सकता है वो क्या है? खाके के बारे में आ सकता है। खाका कहते हैं स्केच को, अंग्रेज़ी में स्केच को कहते हैं, कम अल्फाज में ज़्यादा बयान की जाती है, मुख्तसर होता है, ठीक है, खाके की ये खूबियाँ हैं। कलीमुद्दीन अहमद खाका निगारी की एक अच्छी मिसाल है, इनके जो है खाके बहुत मशहूर हैं। इसके बाद और क्या आ सकता है? अब इसमें गुलिस्तान अदब में गज़ल का पोषण है, गज़ल के लगवी मानी क्या हैं, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लुगत में इसके क्या मानी है, औरतों की बातें करना, दो सवाल हो गए, ठीक है जी, इन बातों को याद रखिएगा। अरबी में गज़ल इश्क अशार को कहते हैं, गज़ल जो कहते हैं वो किसे कहते हैं? इश्क अशार को। और ये कहाँ सा है? अरबी में गज़ल इश्क अशार को कहते हैं, अरबी गज़ल में मतला भी होता है, ये सारी बात। गज़ल का पहला शेर को क्या कहते हैं? मतला कहलाता है, ठीक है, चार ऑप्शन में आ सकता है, जिसके दोनों मिसरे कैसे होते हैं? हम काफिया।
अगर किसी गज़ल में दूसरा मतलब भी हो तो उसे क्या कहेंगे, उसने मतलब या ज़ेब मतलब। गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस नज़्म करता है जिसे मक्ता कहते हैं। जिस गज़ल में रदीफ काफिया ना हो उसे गैर मुतरदिफ गज़ल कहते हैं। गज़ल के अशार अलग अलग मजमून बयान करने की रस्म को बाज़ लोगों ने नापसंदगी और नुक्ता चीनी से देखा है। इसके बाद जो है गज़ल लिखी हुई है। अब सवाल आ सकता है दबिस्तान लखनऊ के 5 शोरा के नाम लिखिए। तो आप ये 5 कोई सा भी आ सकता है कि भाई इसमें से छाटो के दबिस्तान लखनऊ का शायर कौन सा। इमाम बख्श नासिर, ख्वाजा हैदर अली आतिश, इंशा अल्लाह खान इंशा, कलंदर बख्श जराइद और पंडित दयाशंकर नसीम। और क्या सवाल आ सकता है, सनद तजाद किसे कहते हैं। सनद तजाद ऐसे लफ्जी सनद है जिसमें मुतजाद अल्फाज के ज़रिए कलाम में खास लुत्फ पैदा किया जाता है। ठीक है, और क्या सवाल आ सकता है, तरकीब किसे कहते हैं। मिसाल देकर समझाएं, जब हम दो बामानी लफ्ज़ों को ज़ेर या हमजा से जोड़कर एक नया लफ्ज़ बनाते हैं उसे तरकीब कहते हैं। जैसे मंजिल और प्लस इश्क जमा इश्क, मंजिल इश्क ज़ेर लगा दिया। इब्ने मरियम, सुबह बनारस, शाम अवध, जलवा तूर, खाके वतन वगैरह, ये सब तरकीब ज़ेर लगा के जो बना देते हैं। और क्या आ सकता है, नज़्म के बारे में आ सकता है। नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और गज़ल भी अरबी ज़बान। लुगत में इसके मानी है लड़ी में मोती पिरोना। इसके दूसरे मानी है इंतज़ाम, तरतीब और आराइश। नज़्म कितनी कस्म की होती है, 3 कस्म की होती है। पाबंद नज़्म, ठीक है, और नज़्म मुआर्रा, आज़ाद नज़्म। ठीक है, याद रखनी है चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें जो बता रहा हूँ इन्हें बहुत मेहनत के साथ आप समझ लें। और क्या आ सकता है भाई, गोरे गरीबा। नज़्म गोरे गरीबा जो है वो एक अंग्रेज़ी ज़बान के शायर हैं थॉमस ग्रे, उनकी जो है ट्रांसलेशन है। नज़्म तबा तबाही नहीं करी है इसकी। और क्या आ सकता है वो मैं देख के बताता हूँ। इकबाल, इकबाल के बारे में बहुत आता है। इकबाल जो है पंजाब के एक मशहूर सियालकोट में पैदा हुए। ठीक है, रुए आदमी आदम का इस्तकबाल करती है इनकी नज़्में। क्या क्या आ सकता है, मुतजाद अल्फाज पढ़ने थोड़े से, जैसे अर्जी समावी, खुर्शीद माँ, मोहब्बत नफरत, फलक ज़मीन, अजल अबद। ठीक है, मुतजाद थे। अब मुरक्कब अल्फाज की निशानदेही करनी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या आ सकता है भाई आपका, उर्दू अदब की तारीख। उर्दू अदब की तारीख में से क्या क्या आ सकता है, जैसे उर्दू ज़बान का आगाज़ के बारे में पूछ सकते हैं। देखिए, उर्दू ज़बान, उर्दू में ज़बान के लिए एक लफ्ज़ है लिसान। उर्दू में लिसानियत, लिसान कहते हैं जो ज़बान के बारे में खूब जानता है। ठीक है, उर्दू के इब्तदाई से मुतालिक अव्वलीन नज़रियात, किन लोगों ने क्या कहा है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है कि भाई उर्दू ब्रिज भाषा से निकली। प्रोफेसर शीरानी कहते हैं कि उर्दू पंजाबी से निकली है। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं कि सिंध से निकली है। और क्योंकि और सूफिया इकराम गुजरात में आए तो ये कहते हैं कि गुजरात से निकली है। अलग अलग लोगों के अलग अलग रोल है। एक कहते हैं इतनी बात तो सब जानते हैं कि वो ब्रिज भाषा से निकली, कोई कहता है दिल्ली के गर्द व नमा से निकली है। अलग अलग लोगों की राय है। अब आगे है फुट विलियम कॉलेज के बारे में आ सकता है। फुट विलियम कॉलेज का क़याम कब हुआ, तो इसके बारे में जवाब है कि फुट विलियम कॉलेज 4 मई 1800 को टीपू सुल्तान की शिकस्त की यादगार के तौर पर कायम किया। ठीक है, अंग्रेज़ों के ज़रिए शहीद हो गए थे तो उसकी याद में इन्होंने, ये तो कहेंगे कि भाई उनकी शिकस्त के उसमें है ना। फुट विलियम कॉलेज में जो है क्या पढ़ाया जाता था, क्या होता था। फुट विलियम कॉलेज जॉन गिलक्रिस्ट जो थे इसके प्रिंसिपल थे। मीर अमन ने भी बागो बहार एक किताब लिखी थी, याद रखिएगा। ठीक है, मीर हसन
मीर बहादुर अली हसन, मीर शेर अली अफसोस, हैदर बख्श हैदरी। अब कदीम दिल्ली कॉलेज की अदबी खिदमात। कदीम दिल्ली कॉलेज जो है सभी जानते हैं कदीम दिल्ली कॉलेज कौन सा है, ठीक है। दिल्ली कॉलेज जो हमारा एंग्लो अरबिक कॉलेज के नाम से अब जाना जाता है, फुट विलियम कॉलेज। इसमें जो है फुट विलियम कॉलेज में कौन किसको पढ़ाते थे भाई, अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ों को उर्दू पढ़ाई जाती थी, यानी आसान जबान, हिंदुस्तानी जबान कहते थे पहले से। और फुट विलियम कॉलेज के बाद दिल्ली कॉलेज में हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती थी, ठीक है। ये बात दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ। दबिस्तान दिल्ली के बारे में क्या बात मशहूर है, दबिस्तान दिल्ली जो है, दबिस्तान दिल्ली के जो शायर थे वो दिल्ली के शायर थे, और दिल्ली के शायर जो थे वो हकीकी शायर थे। इनके अंदर कोई जो है बनावट नहीं थी, सच्चे शायर थे, है ना। और जो दबिस्तान लखनऊ के शोरा थे उनके अंदर बनावट पसंदी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पे नवाब वगैरह रहते थे तो उनकी शान में कहते थे शायर शेर, तो भाई उनकी शान में जब कहेंगे तो ज़ाहिर बात है अल्फाज को घुमा फिरा के कहेंगे, और घुमा फिरा के कहेंगे जब तो दौलत मिलेगी। तो वहाँ के जो शोरा थे वो बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करते थे, इहाम परस्ती से काम लेते थे, और दिल्ली के जो शोरा थे वो हकीकत के करीब थे। मीर तकी मीर ज़बरदस्त शायरी है, नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पंखुड़ी है गुलाब की सी है। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब दिल्ली के शायर थे और बहुत अच्छे शायर रहे हैं। इसके बाद जो है मिर्ज़ा इब्राहिम जौक, मोमिन खां मोमिन, बहादुर शाह जफ़र बादशाह भी रहे। अब इसके बाद आते हैं दबिस्तान लखनऊ। दबिस्तान लखनऊ जो है भाई वो तो वाह वाह हैं, इनमें इंशाअल्लाह खां इंशा है, सआदत यार खां रंगीर, शेख ग़ुलाम हमदानी मज़फ़ी, ख्वाजा हैदर अली आतिश, सैयद इमाम बख्श नासिर, मीर ग़ुलाम हसन हसन, पंडित दयाशंकर नसीम, मीर बब्बर अली अनीस, ये उसका के जो है वो है। अब मैं आगे लेके चलता हूँ आपको जो मेन चीज़ जो है पेपर के अकॉर्डिंग आनी, ये तो मैंने बताई ऐसी वैसे ताकि आप इसके हिसाब से तैयारी करें। अब है अलीगढ़। अलीगढ़ के बारे में बहुत आता है, अलीगढ़ सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक दोनों का ताल्लुक एक साथ है, क्योंकि सर सैयद ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कायम की और उसके बाद आप देखें दुनिया में कितना बदलाव। सर सैयद अहमद ख़ान की विलादत 1817 में, वफात 1898, दिल्ली के मशहूर खानदान में पैदा हुए, और जो है इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजिम भी हुए, लेकिन वकील भी बने 22 साल की उम्र में। ये सारी बातें हैं, लेकिन ये इंग्लिस्तान का सफ़र करा और वहाँ पे जाके जो है ये वहाँ के कॉलेज और वहाँ की सारी चीज़ें देखी, और वहाँ पे स्केच भी बनाया आराम आराम से बिना किसी को पता लगे, और फिर वो ऐसे ही आगे अपना जो है यहाँ कॉलेज कायम करने की कोशिश की। मुसलमानों के लिए तहज़ीबुल अखलाक अखलाक पे जोर दिया, इनके साथी भी मिल गए जिन्होंने जो है क्या नाम है बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी। इन्होंने कहा आसान ज़बान में कहानियाँ किस्से लिखो, बच्चों में तब्दीली आए। जदीद तालीम पे सर सैयद ने जोर दिया, लड़कियों की तालीम पे ख़ास तौर से जोर दिया, साइंस पे जोर दिया। इन्होंने कहा कि भाई हमारे जो है दाएँ हाथ में कुरान, बाएँ हाथ में साइंस, और माथे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। साइंटिफिक सोसाइटी, तहज़ीबुल अख़लाक, ये सब इनका ही है। और इसके बाद आते हैं हम आगे रोमानवी तहरीक। रोमानवी तहरीक जो थी उर्दू अदब में दूसरी करवट ली, इस्लाही तहरीक के ख़िलाफ़ रोमानवी नोयत शुरू हो गई, थोड़ा सा जो है इश्क मोहब्बत की बात है, ये सारी बातें रोमानवी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नासिर अली, ये सब इसके जो है मेंबर रहे हैं। अब इसके बाद जो आती है भाई जो इम्पोर्टेंट है वो है तरक्की पसंद तहरीक। तरक्की पसंद तहरीक जो है इसका आगाज़ 1936 में हुआ, सवाल इम्पोर्टेंट, 1936 में हुआ, ठीक है भाई। इसके बाद है अंगारे 1932 में ज़ाहिर हुआ, इसमें सज्जाद, हैदर, ज़हीर, यलद्रम, ये सब लोग शामिल थे, लंदन गए वहाँ पे सब। तरक्की पसंद शायरी, तरक्की पसंद तहरीक जो है एक तरीके से
इस तहरीक के ज़रिए लोगों को पैगाम दिया गया है कि भाई देश की आज़ादी के लिए। तरक्की पसंद के अहम शोरा इसरारुल हक मिजाजी, मजाज, सुल्तानपुरी, ये मोइन हसन जद्दी, फैज़ अहमद फैज़, कृष्ण चंद, राजेंद्र सिंह बेदी, हयातुल्ला अंसारी, इज़्मत चुगताई, ये सब लोग हैं। अब ख़याबान उर्दू में आ जाते हैं, ठीक है। नावल के बारे में आ सकता है, नावल क्या है, ठीक है। नावल जो है एक पूरी ज़िंदगी है किसी की, और उर्दू में नावल का आगाज़ 19वीं सदी के नसफ़ आखिर में हुआ। नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद जो हैं इसके पहले नावल निगार हैं, प्रेमचंद, ये सब नावल निगार हैं। मुंशी प्रेमचंद के बारे में आ सकता है, मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या था, धनपत राय, ठीक है। और भाई इन्होंने बेवा के ऊपर वो लिखा था नॉवेल। ड्रामे के बारे में आ सकता है, ड्रामा क्या है। बाकी देखिए सारी चीज़ें जो हैं वो सुन के सुनने के लिए होती हैं, ड्रामा हकीकी तौर पे करने के लिए होता है, तो ड्रामा करके दिखाने की चीज़ है। और क्या आ सकता है, मॉडल पेपर बता दूँ। चलो मॉडल पेपर जाए तो जनरल चीज़ें आएंगी। और इसके बाद जो है आपको दूसरी वाली जो वाली किताब है, क्या कहते हैं, ग्रामर की, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। CUET के अंदर उर्दू ग्रामर के अंदर क्या क्या आएगा, ये सारी चीज़ें हैं वन बाय वन, इसे मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या आएगा। ये पूरा है ज़बरदस्त तरीके से, ये देख लो कितनी सारी चीज़ें हैं, कराने जा रहा हूँ वन बाय। तो चलो सबसे पहले इस्म के बारे में जान लेते हैं। देखो इस्म किसे कहते हैं, किसी भी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं, ठीक है। जो अब यहाँ पे समझ लो, किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज़ के नाम को इस्म आम कहते हैं, इस्म आम को नकरा भी कहते हैं। किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास जगह, किसी ख़ास चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं, इसमें ख़ास को इसमें मारफा भी कहा जा सकता है। इसमें आम, जैसे मैंने कह दिया मस्जिद है ना, स्कूल, ये इसमें आम है। इसमें ख़ास क्या हो गया, लाल किला, जामा मस्जिद, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें जो है और भी है, वो नाम जो किसी शख्स की खूबिया कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो उसे लकब कहते हैं, जैसे बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक का, खातिमुल हकीमुल उम्मत इकबाल, शायर इकबाल, शायर इनकलाब जोश, ये खुदाए सुखन मीर तकी मीर। वो नाम जो नुमाया खिदमात के लिए हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से किसी शख्स को दिया जाए उसे खिताब कहते हैं, जैसे पदम श्री, पदम भूषण, पदम विभूषण, निजामुद्दौला, दबीरुल मुल्क, खान बहादुर, शमशुल्लामा। अगर शायरों को अपने नाम के अलावा एक और नाम होता है जिसे वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं, उसको तखल्लुस कहते हैं, ठीक है। जैसे दर्द, ज़ौक, ठीक है, और हाली, ये सब। कुनियत क्या होती है, वतन, माँ बाप और ख़ानदान के ताल्लुक से जो नाम मशहूर हो जाता है उसे कुनियत कहते हैं, ठीक है। जैसे जो है इब्ने मरियम, मरियम का बेटा। और आगे क्या आएगा, वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ का बड़ा, भारी, भरकम करके जाहिर करे उसे इसमें मुतकब्बिर कहते हैं, जैसे लुटिया से लोटा, पतीली से पतीला, कटोरी से कटोरा, घंटी से घंटा। वो लफ्ज़ जब किसी चीज़ को छोटा करके जाहिर करे उसे इसमें मुसग़्ग़र कहते हैं, जैसे संदूक से संदूकचा, बाग से बागीचा, किताब से किताबचा। वो लफ्ज़ जो किसी हथियार, औजार या आले का नाम जाहिर करे उसे इसमें आला कहते हैं, चाकू, कलम, तलवार, पेचकस, हथौड़ा, छेनी, कंगी, कंगा वगैरह। और वो लफ्ज़ जो किसी जानदार या बेजान अशिया को, मखसूस औजारों को जाहिर करे उसे इसमें सूत कहते हैं, ठीक है। जो किसी औजार के जाहिर करे उसमें इसमें सूत कहते हैं, जैसे इसमें सूत आवाज़ को जाहिर करे, जैसे मियाओ मियाओ, कुकड़ू कू, ट्र ट्र,
वह लफ्ज़ जो किसी जगह या वक्त के नाम को जाहिर करे उसमें ज़र्फ कहते हैं, जैसे घर, कतब खाना, चौराहा, स्कूल, सुबह, दोपहर, शाम, इसमें ज़र्फ़ याद रखिएगा। वो लफ्ज़ जो किसी मकाम का इल्म हो उसे इसमें ज़र्फ़ मका कहते हैं, जैसे ईदगाह, स्कूल, कतब खाना। वो लफ्ज़ जिससे वक्त का पता लगे उसे इसमें ज़र्फ़ जमा कहते हैं, जैसे सुबह, दोपहर, कल, परसों। ज़मीर के बारे में पढ़ लेते हैं आप। ज़मीर क्या है? वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह पे इस्तेमाल होता है ज़मीर कहलाता है। इस्म की जगह पे इस्तेमाल होता है ज़मीर कहलाता है। जैसे मैंने हामिद एक शख्स है, वो अब हामिद की जगह वो बहुत अच्छा है, उसका उसका काम बहुत अच्छा, अब नाम की जगह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। वो ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं। बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। बात करने वाला सामने मौजूद शख्स के लिए ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर हाजिर कहते हैं। बात करने वाला गैर मौजूदा शख्स के लिए ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर गायब कहते हैं। फ़ेल के बारे में पढ़ लेते हैं जल्दी से। वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना ज़ाहिर हो फ़ेल कहलाता है, जैसे खेलना, करना, लिखना, जाना, आना, वाना। फेल की किस्में, फेल की किस्में पढ़ लेते हैं कौन कौन सी हैं। वो फेल जिसमें किसी काम करने का असर सिर्फ फाइल तक महदूद हो फेल लाजिम कहलाता है, जैसे देख रहा है। वो फेल जिसको अपने मफहूम के लिए मफूल की ज़रूरत होती है फेल मुतअद्दी कहलाता है, जैसे हुआ। वो फेल जिससे किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर वाजे ना हो फेल नाकिस कहलाता है, ठीक है। चले गए, अब कौन चलेगा पता ही नहीं। वो फेल जो दो या दो से ज़्यादा फाल से मिलकर बनता है उसे फेल मुरक्कब कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने, मैं ख़त लिख रहा हूँ। और क्या है भाई? वो लफ्ज़ जो किसी काम के करने वाले को जाहिर करे फाइल कहलाता है। ऊपर की मिसालों में अहमद, हिना फाइल है, ठीक है। वो लफ्ज़ जो जिस पर किसी फेल का असर पड़े मफूल कहलाता है, ख़त, किताब, झूला, ये सब वगैरह। फेल की मुनासबत से दिए गए इसमें फाइल कहलाते हैं, जैसे मजलूम की मदद करो, माकूल बात की तारीफ होनी चाहिए। और क्या आ सकता है सीयूटी में? वो इसम जो फेल के मफूली हालत के नाम को जाहिर करे उसे भी इसमें मफ़ूल कहते हैं। और क्या है? वो काम जो गुजरे हुए वक्त में हो उसे फ़ेल माजी कहते हैं, यानी जो काम पुराने वक्त में हो गया, जैसे आपने 12वीं पास कर ली तो फ़ेल माजी है। वो काम जो मौजूदा वक्त में हो उसे फ़ेल हाल कहते हैं, यानी आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, फ़ेल हाल। वो काम जो आने वाले वक्त में हो उसे फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं, आप सीयूटी का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। अगला, वो फेल जिसका फाइल मालूम हो उसे फेल मारूफ कहते हैं, और वो फेल जिसका फाइल मालूम ना हो उसे फेल मजहूल कहते हैं। इसकी मिसाल भी देखते हैं। चलें सिफत के बारे में पढ़ लेते हैं। वो लफ्ज़ जिससे किसी की अच्छाई, बुराई या खसूसियत ज़ाहिर हो उसे सिफत कहते हैं। वो अल्फाज जिनसे किसी शख्स या चीज़ की ज़ाती खसूसियत, हालत, कैफियत ज़ाहिर हो उसे सिफत ज़ाती कहते हैं, जैसे खुश मिजाज, खुश मजाक, बावकार, अजीब, गर्म, ठंडा, ज़हीन, बेचैन, शरीफ, नफ्स, अच्छा, बुरा। वो सिर्फ जिसमें किसी दूसरी चीज़ की किस तरह का लगाव या नस्बत पाया जाए उसे सिफत नस्बती कहते हैं, जैसे हिंदुस्तानी बल्ला, हिंदुस्तान से इसकी नस्बत है, जापानी गुड़िया, जापान से इसकी, कश्मीरी शॉल, कश्मीर से नस्बत है, अरबी घोड़ा, अरब से नस्बत। वो सिर्फ जिससे किसी किस्म की तादाद ज़ाहिर हो उसमें सिफत अददी कहते हैं, जैसे दो बल्ले, चंद किताबें, कुछ कापियाँ। वो सिफत जिससे किसी चीज़ की मकदार या नाप या वज़न को ज़ाहिर करे सिफत मकदारी कहते हैं, जैसे 2 किलो मिठाई, पाव भर चीनी, 5 मीटर कपड़ा। और क्या आ सकता है सीटी में? अब हरूफ यानी लेटर्स किसे कहते हैं? टाइम कम है तो इसी वजह से मेन चीज़ें पर। वो हरूफ जो एक लफ्ज़ के दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करता है उसे हरफ जार कहते हैं, ठीक है, हरफ जार। देखिए हरफ जार की मिसाल।
बच्चे बाग में खेल रहे हैं, तो मैं वे घर से निकला सर पर, तो ये जो सेब से पर को तक का ने, ये सब क्या है? हर्फ जार, हर्फ इजाफत, वर्ब जो दो लफ्ज़ों के दरमियान नस्बत ताल्लुक को जाहिर करे उसे इजाफत कहते हैं। जैसे नसीम का घर, स्कूल के बच्चे, सभा की किताब। अब देखें और क्या है भाई। वो हरूफ या लफ्ज़ जो दो लफ्ज़ों के फकरों यानी जुमलों को जोड़ता है, उर्फ इतफ कहलाता है। जैसे मैं तो वहाँ पहुँचा मगर वही ना आया, तो मगर ने इन दो जुमलों को जोड़ दिया, तो ये हर्फ अतफ कहलाता है। ये किताब पढ़ो या वो किताब पढ़ो, यानी दो जुमलों को जोड़ दिया, हर्फ अतफ कहलाता है। और क्या है भाई। वो हरूफ जो जुमले में किसी पहलू पर जोर डालने या ताकीद करने के लिए इस्तेमाल होता है, उन्हें हर्फ तख सीस कहते हैं। ठीक है। वो हरूफ जो जुमले में खुशी दुख हैरत के जज्बे को जाहिर करता है, उन्हें फजिया कहते हैं। जैसे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ओफो, खूब, चश्मा बद्दू वगैरह। वाहिद जमा क्या है? वाहिद जमा देख लो। ठीक है। तादाद में जब कोई एक चीज़ हो तो उसे वाहिद कहते हैं, और जब एक से ज़्यादा हो तो उसे जमा कहते हैं यानी प्लूरल। जैसे घोड़ा वाहिद है, घोड़े वो है जमा है, लड़का वाहिद है, लड़के जमा है, दायरा वाहिद है, दायरा वाहिद है और दायरे जमा है। याद रखें, वाहिद लफ्ज के आखिर में अगर या हो तो उसकी जमा बनाने में अलिफ और नून गुन्ना लगाया जाए, लड़का लड़कियां, कुली कुलियां। आय उनके अलावा वाव और या नून गुन्ना लगाकर जमा बनाए, लोग लोगों, घर घरों। बाकी वाहिद जमाएं देख लीजिए। जिन्स, जेंडर, मेल फीमेल। जानदार चीज़ों को नर यानी मुजक्कर और मादा मुअन्नस कहलाता है। गैर जानदार बेजान चीज़ों को मुजक्कर मुअन्नस को जिन्स गैर हकीकी कहते हैं। जिन्स गैर हकीकी होते तो हैं वो, लेकिन गैर हकीकी। मुतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जो मानी में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उन्हें मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। जैसे ऐश व आराम, आराम का मतलब ऐश का मतलब आराम, इत्तेहाद इत्तेफाक, इत्तेफाक का मतलब इत्तेहाद, इत्तेहाद का मतलब इत्तेहाद, ख्वाब व ख्याल, ख्याल मतलब ख्वाब, ख्वाब मतलब, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मुतजाद अल्फाज किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जो मानी में एक दूसरे की जिद हों, उन्हें मुतजाद कहते हैं, अल्फाज कहते हैं। मुतजाद मतलब अपोजिट। जैसे सुबह का शाम, उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे, खैर व शर, नफ़ा नुकसान। और क्या आने वाला है? मुरक्कब अल्फाज किसे कहते हैं? दो मुख्तलिफ माने रखने वाले लफ्ज़ों के मिलने से जो नया लफ्ज़ बनता है, उन्हें मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। जैसे घोड़ा एक लफ्ज़ है, गाड़ी एक लफ्ज़ है, दोनों मिल गए तो घोड़ा गाड़ी। डाक एक लफ्ज़ है, घर एक लफ्ज़ है, दोनों मिल गए तो डाक घर। साबका और लाहिका किसे कहते हैं? समझ लो ध्यान से। बा मानी अल्फाज से पहले लगने वाले हरूफ या अल्फाज को साबका कहते हैं। ठीक है। जैसे दार से पहले लग गया शान, साबका कहते हैं। शानदार, दार से पहले लग गया जान, जानदार। ठीक है। दार से पहले लग गया ईमान, ईमानदार। तो साबके क्या है? शान, जान और ईमान, इनके दार सब में ही लगा हुआ है, लेकिन शानदार, जानदार, ईमानदार। ठीक है। इसी तरह और एग्जाम्पल है। बामानी अल्फाज के बाद आने वाले हर्फ को लाइके कहते हैं। बाद में अगर आते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? लाइके कहलाएंगे। ठीक है भाई। ये लाइके की मिसाल थी, सॉरी, और साबके की मिसाल होती है पहले जो आते हैं। जैसे ये
बेखबर बासानी और हम जमात बरवक खुश किस्मत ये भी हो गया भाई। अब रोज़मर्रा रोज़मर्रा में जो हम बोलते हैं वो कहलाते हैं। खत कशीदा अल्फाज ऐसे फकरे हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा की बातचीत में ख़ास मौक़ों पर ख़ास मानों में इस्तेमाल करें। तो बातचीत क्यों, जैसे हमने अल्लाह की कसम सच कह रही हूँ, उन्होंने तो झूठे मुँह भी मुझे रुकने के, और बादशाह, ये सब इस तरह के लफ्ज़ होते हैं रोज़ मुहावरे वो होते हैं जो हम वो अल्फाज जो फेल पर ख़त्म होने वाले हो लगे माने के दूसरे मानों में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं। जैसे बगले झांकना, बगले झांकने का मतलब ये हो गया अपनी बगले झांक रहा है, दिल बाग बाग होना इसका मतलब है खुश हो जाना, मुहावरा है। दूसरे में कहावत, कहावतें क्या होती हैं, कहावत वो फकरे जुमले या कौल जिस बात में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहावत के पीछे कोई वाकया कहानी ज़रूर होती है, जैसे आसमान से गिरा खजूर मटका, यानी एक मुसीबत ख़त्म नहीं दूसरी आन पड़ी। फकरा, फकरा होता है जुमला लफ्ज़ों का मजमू जिस तरकीब दिया जाए लेकिन मामानी होने के बावजूद मुकम्मल ना हो, जैसे शाम से पहले मोहब्बत का पैगाम। और जुमले क्या होते हैं, जुमले के बारे में अल्फाज का मजमू जिससे बात मुकम्मल वाज हो जाए जुमला कहलाती है। शाम से पहले, मुझे शाम से पहले ही ये काम मुकम्मल कर लेना चाहिए। हमारी कौमी शायरी में ख़ास तौर पर मोहब्बत का पैगाम दिया गया है। और क्या है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। रमोज़ आखूफ भाई, रमोज़ आखूफ क्या है, क्या क्या होता है इसके अंदर, यहाँ पे बता दूँ वो ख़ास अलामतें जो इबारत को सही तौर पर पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं उन्हें रमोज़ आकूफ़ कहते हैं। मतलब वो चीज़ें जो हमें इबारत वगैरह पढ़ने के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे साइन नहीं है, राइट का, इक्वल का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, माइनस का, प्लस का, तो इसी तरह इसमें भी कुछ अलामतें होती हैं। ठीक है, जैसे ये है, इसे ख़त्मिया कहते हैं, ये निशान वो जुमले के ख़त्म होने पे लगाया जाता है। किसी एक लफ्ज़ या फकरे के बाद थोड़ा सा ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे सकता यानी कोमा कहते हैं। सकते से ज़रा तवील ठहराव वक्फा कहलाता है। वो निशान जो किसी शख्स या बात की तफसील बयान करने से पहले लगाया जाए उसे रब राबित कहते हैं, ये वाला निशान होता है। सवालिया लहजे के इजहार के लिए जुमले के आखिर में जो निशान लगाया जाता है उसे सवालिया नाम निशान यानी क्वेश्चन मार्क कहते हैं। किसी बात को उसी के अल्फाज में नकल करते हुए जो अलामत लगाई जाती है उसे वावीन यानी इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। हुर्फ निशात, हुर्फ साफिद या हुर्फ निदा या जोश जज्बे को इस निशान के ज़रिए जाहिर किया जाता है उसे हिजाइया निशान यानी एक्सप्लेनेशन के। किसी बात को इजाफी शक्ल या दूसरी ज़बान में पेश करने के लिए इस बात को जब अलामत के साथ लिखा जाए तो उसे कौसैन यानी ब्रैकेट कहते हैं। इसके बाद है, यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट्स में दिखाया भाई सप्ता किसे कहते हैं, वक्फा किसे कहते हैं, राबता किसे कहते हैं, खात्मा किसे कहते हैं, और सवालिया किसे कहते हैं, हिजाइया किसे कहते हैं, वाइन किसे कहते हैं और कौसैन किसे कहते हैं। अब इसके बाद अगला हिस्सा है कि शेर, शेर किसे कहते हैं। हम यहाँ पे देखो थोड़ा सा समझा दूँ मैं आपको। शेर वो कलाम है जिसमें लफ्ज़ों की एक ख़ास तरकीब यानी मौजूनियत हो और उसे ले नगमी और आहंग और असर पैदा हो जाए तो उसे कहते हैं। देखिए मिसरा क्या होता है, ये मिसरा है, हे जस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, ये मिसरा है ओला है, और अब देखते हैं ठहरती है जाके नज़र का, ये मिसरा सानी यानी पहला मिसरा और दूसरा मिसरा, दो मिसरे मिल जाते हैं तो शेर बन जाता है। अब वज़न व बहर, आप जानते हैं किसी चीज़ को तोलने, वज़न करने या नापने के लिए मुख्तलिफ बाट और पैमाने मुकर्रर किए जाते हैं, इसी तरह शेर के भी पैमाने मुकर्रर हैं। अब चले मैं आपको काफ़िए के बारे में बता दूँ, काफ़िया क्या होता है। जैसे ये है ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां
लेकिन फिर भी कम निकले। तो निकले निकले दोनों सेम लफ्ज़ है, तो ये रदीफ है और इससे जो जस्ट पहले आया, तो ये जो दम में मीम है और कम में मीम है ये काफ़िया है और इसको अब आसानी से हम पढ़ भी लेते हैं। देखिए वो लफ्ज़ जो यक्सा यक्सा आवाज़ और यक्सा हरूफ हर्फ या हरूफ पे ख़त्म होते हैं उन्हें काफ़िया कहते हैं। ठीक है, देखिए आप यक्सा हरूफ पे ख़त्म हो रहा है का एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का, जिंदगी का है को है ख्वाब है दीवाने का। तो इसमें का जो है ये रदीफ़ है और इससे पहले जो नून और ये आ रहा है और अलिफ़ आ रहा है ये जो है काफ़िया है। रदीफ़ जो है बाद में आता है, सबसे आखिर में आता है रदीफ़, शेर के आखिरी जो होता है उसे बोलते हैं। आम तौर पर अशार में काफ़िए के बाद जो लफ्ज़ या अल्फाज दोहराए जाते हैं उन्हें एक रदीफ़ कहते हैं। ये बहुत आसान है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो जो क्या है आ रहा है, सेम अल्फाज आ रहा है, यही रदीफ़ है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए शेर की हैयतें शक्लें कितनी होती हैं। मुसम्मत की 8 किस्में होती हैं, ठीक है, मुसल्लस मुरब्बा मुखम्मस मुसद्दस मुसब्बा मुसम्मन मुतस्सा मुआशर, ठीक है, बैत किसे कहते हैं, एक बैत में दो मिसरे होते हैं। उर्दू में बैत के लिए शेर ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, हम रुबाई को दो बैती भी कहते हैं क्योंकि इसमें दो शेर होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं भाई, इल्म बयान किसे कहते हैं। इल्म बयान वो इल्म जिसके ज़रिए हम किसी बात किसी कलाम को दिलकश और पुरअसर अंदाज असर बनाते हैं, इल्म बयान कहलाता है। जैसा आप यहाँ पे ये शेर देख सकते हैं, गुलदस्ता मानी को नए ढंग से बांधो, एक फूल का मजमू हो तो सो रंग से बांधो। तो ये जो है इल्म बयान की एक मिसाल है कि हम जो है अल्फाज और कलाम को इस अंदाज से पेश करते हैं कि पुरकशिश हो जाता है। तजबिया किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मानंद बताना तजबिया कहलाता है। मानंद बताना मतलब जैसे यहाँ पे एक शेर है नाजुकी उसकी लबकी क्या कही है, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, तो जो उसके लब है उसको गुलाब की पंखुड़ी से तजबी दी है कि भाई उसके लब जो है लिप्स जो है वो कैसे हैं, गुलाब की पत्तियों की तरह है खूबसूरत, ठीक है, तो इसे तजबी बोलते हैं। और इसके बाद आता है इस्तियारा, वो लफ्ज़ जो अपने असली मानी के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल किया जाए और दोनों मानों में तजबी का ताल्लुक से इस्तियारा कहते हैं, मतलब उसको हूबहू ऐसे कह दिया जाए। अगर मैं कहूँगा वो तो शेर जैसा है तो ये तो तजबी हो गई, और मैंने कहा वो देखो शेर आ रहा है तो इसका मतलब मैंने उसको डायरेक्ट शेर ही कह दिया, ये इस्तियारा हो, समझ में आ गई बात। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर इसके दोनों की मिसालें पढ़ लें, जैसे जैद रुस्तम की तरह है, अहमद फरिश्ते जैसा रुस्तम की तरह है, और जहाँ पे जैद रुस्तम है, अहमद फरिश्ते जैसा अहमद फरिश्ता है, शकीला चांद के मानी ने शकीला चांद है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं किनाया, कनाया के अंदर आता है बात को पोशीदा रख कर कहना या मख्फी इशारा, कनाया कहलाता है। गालिब का शेर, रूए सुखन को किसी की तरफ हो तो रूस या सौदा नहीं जुनू नहीं वहशत नहीं मुझे, ठीक है, तो ये जो है सारी चीज़ें इसके अंदर है। मजाज मरशिद जब किसी लफ्ज़ को उसके असली मानी के बजाय मजाजी या दूसरे मानी में इस्तेमाल किया जाए उसे मजाज मरशिल कहते हैं। हुनर का जहाँ गरम बाजार है अब, जहाँ अकल व दानिश का व्यापार है अब, ठीक है, तो यहाँ पे जो है मजाजी मानों में जो है इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मजाज मरशिल। इल्म बदी है, इल्म बदी के अंदर जो है बदी वो इल्म है, बदी कहते हैं वो इल्म जिससे कलाम के मानवी या ज़ाहरी हुस्न में इजाफा हो, ठीक है, मानवी या ज़ाहरी हुस्न में इजाफा हो। जैसे प्यासी थी जो साए खुदा ने रात को, साहिल से सर पटकती मौजे फराज, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें वो इल्म बदी कहलाती। और जो तजनीस है, तजनीस का जो मतलब है, तजनीस जो इसे कहते हैं,
वो है कलाम में दो या दो से ज़्यादा ऐसे अल्फाज जो तलफ़ुज अमला के लिहाज से तो एक जैसे हों मगर मानी के एतबार से मुख्तलिफ हों। तो शेर की एक खूबी उसने सनत तजनीस कहला मानी के मतलब जो अल्फाज अमला के लिहाज से एक जैसे हों मतलब मानी के लिहाज से मुख्तलिफ हों। जैसे आप ये शेर पढ़ते हैं न हिम्मत न दिल न किस्मत न आगे न ढूंढा न समझा न पाया न देखा। तो यहाँ पे पहले मिसरे में हिम्मत दिल किस्मत और आंखें लफ्ज एक साथ इस्तेमाल किए फिर इनकी मुनासबत दूसरे मिसरे से वजाहत की गई। भाई देखो हिम्मत जो होगी तो ढूंढेगा, दिल होगा तो समझेगा, किस्मत होगी तो पाएगा, आंखें होगी तो देखेगा। तो इस तरह एक दूसरे की मुनासबत से भी शेर बनाए जाते हैं, इसी को बोलते हैं तजनीस लफ्फ व नशर। अगर मिरातुन नज़ीर, मिरातुन नज़ीर किसे कहते हैं, सीयूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। कलाम में ऐसे लफ्ज़ लाना जिसकी मुनासबत या ताल्लुक दूसरे अल्फाज के किसी एक मिसरे या शेर में हो जाए उसे मिरातुन नज़ीर कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। पहले मिसरे में पत्ता फिर बूटा, पत्ते को बूटे से जोड़ दिया और दूसरे में गुल को बाग से जोड़ दिया, तो दोनों में एक दूसरे में रब्त पाया जा रहा है, इसी को मिरातुन नज़ीर कहते हैं। शेर में ऐसी चीज़ें जमा करना जिसमें कोई ना कोई ताल्लुकों का आपस में जिदों से रियायत लफ्जी कहते हैं, इसकी भी मिसाल आप देख सकते हैं। कभी शाख व सब्ज़ व बर्क कभी गुंचा है गुल व खार पर मैं चमन में जहाँ चाहूँ रहूँ मरा हक है फजले बहार पर। अब तजाद के बारे में, किनाया के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई किनाया क्या होता है। अब तजाद है, तजाद कहते हैं कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की जीदों सनतें तजाद कहलाता है। जैसे यहाँ पे या के सफ़ीद और सियादों में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को रो रो सुबह किया दिन को जूतू शाम के। तो यहाँ पे रात को दिन और सुबह को शाम से, ये जो दो मुतजाद अल्फाज आए नहीं बोलते सनत तजाद। सनत तलमी, तलमी किसे कहते हैं, क्या वो नमरूद की खुदाई थी बंदगी में मेरा भला ना। तो नमरूद में एक जो है तारीखी कहानी पूरी बयान कर दी एक ही शेर में, तो ऐसी शेर जिसमें कोई तारीख का हवाला हो या कोई तारीखी वाक़ा हो तो सनत तलमीन कहलाता। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसमें कोई वाक़ा शख्स मकाम या रिवायत की तरफ इशारा हो, जैसे इबन मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई, ये उसने तालील, उसने तालील क्या होता है भाई, शेर में किसी बात का वो सबब बयान करना जो हकीकत में उसका सबब ना हो उसने तालील कहलाता। ठीक है, जैसे यहाँ पे मिसाल से समझें, जेरे ज़मीन से आता है जो गुल सूज़े बकब, हो दिल से फर है वैसा कौसार का नज़ारा, पानी भी मौज बन 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 के उठ उठ के देखता भाई, कौसार का नज़ारा जो है ऐसा हो। तो यहाँ पे इन शेर में जो है इसी तरह से इहाम का मतलब क्या होता है, कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जिसके दो मानी, एक करीब दूसरा दूर का, और शायर से मुराद दूर के मानी से हो लफ्ज़ का इस्तेमाल इहाम कहलाता है। जैसे यहाँ पे देंगे, क्यों मेंढता है जुल्फ़ के वो प्यारे, देख तुझको कहेंगे सब मूर्ख, नज़र आता नहीं वो महरो क्यों, गुजरता है तुझ पे चांद खाए। ठीक है, तो इसके बाद जो है भाई मुबालगा है, मुबालगा कहते हैं जिसमें बड़ा चढ़ा के किसी की कैफियत को बयान करते हैं मुबालगा कहलाता है। ठीक है, मुबालगा की किस्में भी तीन होती हैं, पहले से पढ़ लेते हैं मुबालगा किसे कहते हैं। जैसे वादा है शाम, जैसे ये मुबालगा है, तुम सलामत रहो हज़ार बरस, हर बरस के हो दिन पचास हज़ार, हज़ार बरस किसकी उम्र रही है, ये मुबालगा है। मुबालगा की तीन किस्में कौन सी हैं, यहाँ पे मुबालगा की ये शक्ल जब कोई बात अकल और अमल दोनों तरह मुमकिन ना हो तो उसको तबलीग कहलाती। ठीक है, जैसे जो है जो अकल से भी मुमकिन ना हो और अमल से भी दोनों तरह मुमकिन ना हो, जैसे यहाँ पे आप अब इसमें हिस्सा नसर है, हिस्सा नसर के अंदर भाई दास्तान के बारे में बताया, दास्तान क्या होती है, दास्तान कहते हैं कि लंबी दास्तान जिसके अंदर कहानी दर कहानी होती है ना, दास्तान की तारीफ यही है जिसमें जो है तारीख़ी कहानी दर कहानी होती है और इसमें बहुत लंबी होती है दास्तान, किस्सा दर जादुई ख्यालात भी इसके अंदर वह माफ़ुल फितरत तनासिब पूछे आ सकते हैं भाई इसमें क्या आ सकता है। नॉवल जो होती है दास्तान तो छोटी होती है,
और जो है नावल मुख्तसर होती है, ज़िंदगी की हकीकत के करीब होती है। नावल के बारे में ये बात लिख सकते हैं, नावल नसरी बयानिया सिंफ है जिसकी तशरीह प्लॉट किरदार तर्ज और नुक्ता नज़र के रोल। अफसाना नावल से छोटा होता है, इसमें एक ही किरदार बयान किया जाता है। अफसाना क्या है, एक नसरी सिंफ है जिसमें किसी एक वाक़ ज़िंदगी किसी एक पहलू को बयान किया जाता है। ड्रामा क्या होता है, ड्रामे की तारीफ भी है। वो फन है जिसमें प्लॉट और किस्सा होता है जो किरदारों मुकालमों और अदाकारी के ज़रिए नाज़रीन के रूबरू अमली तौर पर पेश किया जाता है, इसे सुनाया नहीं जाता बल्कि अमली तौर पर। मजमून के बारे में आ सकता है, मजमून नसर की वो सिंफ है जिसमें किसी मौजू पर तसलसल के साथ इस तरह इजहार किया जाए कि एक मरबूत तहरीर बन जाए, एक मिक्स बन जाए। अनशाइया मजमून की शक्ल है लेकिन इसमें बेतकल्लुफी के साथ किसी चीज़ को बयान किया जाता है। सवाने कहते हैं बायोग्राफी, किसी की ज़िंदगी के हालात पर लिखी जाने वाली। एक होती ऑटोबायोग्राफी जिसमें इंसान अपने बारे में लिखता है लेकिन आखिरी का हिस्सा नहीं लिख सकता क्योंकि वो ज़िंदा है। खाका होता है कम अल्फाज में ज़्यादा बात बयान कर देना, एक ही पेज में उसकी पूरी ज़िंदगी की झलके बयान कर देना। रिपोर्टाज होता है जो हकीकत पर मबनी होता है। अफसाना बनावटी होता है, रिपोर्टाज बिल्कुल हकीकत होती है, रिपोर्ट से बना है। सफ़रनामा जैसा आजकल भी लोग बनाते हैं, ऐसे सफ़रनामा होता है, अपनी ज़िंदगी के हालात बयान किया था। उर्दू का पहला सफ़रनामा अजायबात फिरंग 19वीं सदी में लिखा गया, यूसुफ का कम्बल पोस्टे। अब शेरी इस नाम में गज़ल की तारीफ आ सकती है, गज़ल क्या है। गज़ल उर्दू की सबसे मकबूल सिन है जिसमें हर शेर एक इकाई की हैसियत रखता है, हमारे हर शेर में अलग बात बयान की जाती है। ठीक है, बहुत पहले से उनके कदमों की हाट जान लेते हैं, तुझे ज़िंदगी हम पहचान लेते हैं। कसीदा, कसीदा किसे कहते हैं, वो शायरी की वो सिन है जिसमें किसी की तारीफ़ या मजम्मत की जाए, उसकी तखय्युल की बुलंदी और मुबालगा आमेज़ी हो, बुलंद आहंग और पुरशिकवा अल्फाज का इस्तेमाल इसकी अहम खूबी है। मरसिया खानी, मरसिए की तारीफ है। मरसिया रसा से बना है, इसके माने रोना और आहों को बका है, जो किसी के मरने पर या शहीद होने पर लिखा जाता है। मसनवी तवील नज्म को कहते हैं जिसमें एक कहानी को छोटे छोटे अशार में मुसलसल बयान किया जाता है। रुबाई, रुबाई चार मिसरों का मुश्तमिल एक नज्म है जिसका पहला दूसरा और चौथा मिसरा काफिया होता है, तीसरा मिसरा भी हम काफिया होते हैं, बहरे हजन भी कही जाते हैं और इसके लिए 24 अवसान मुकर्रर है। खता जो है टुकड़े को कहते हैं, किसी शेर का एक टुकड़ा इसमें चार मिसरे होते हैं। ठीक है, नज्म, नज्म किसी एक मौजू का मुसलसल बयान की जाने वाली चीज़ है। नज्म का मतलब होता है मोतियों में। नज्म की तीन किस्में हैं, पाबंद नज्म, नज्म मुआर्रा, आज़ाद नज्म और नसरी नज्म। ठीक है, अब यहाँ पे दरख्वास्त के तरीके हैं, दरख्वास्त, अरे ये सारी चीज़ें तो आएंगी नहीं, जो मेन चीज़ें हम आपको बताया तो बस है ना, ये सारी चीज़ें, ये आपको पूरी वेबसीबी सी यू टी में काम आएगी। अगर आपको इतनी लंबी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, NIS CBSE क्लासेस ले सकते हैं, असाइनमेंट प्रैक्टिकल टीवी जो कुछ चाहिए मिल जाएगा, हेल्प बुक नोट्स सब मिल जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।